प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आज स्वेच्छा से किए गए बाजार बंद के दौरान नगर सहित जिले भर में कर्फ्यू जैसे हालात रहे। चारों ओर पुलिस का सख्त पहरा रहा। जनता कर्फ्यू का शहर में असर देखा गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में चप्पे चप्पे पुलिस का पहरा रहा। मास्क लगाए कर्मचारियों ने नगर के गली मोहल्लों पर ड्यूटी दी। शहर की अधिकांश दुकानें बंद रही। इसके लिए डॉक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह द्वारा भी लोगों से अपील की गई है कि घरों पर रहे। जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए प्रशासन, पब्लिक और प्रेस का सहयोग रहा। बंद के दौरान शहर की खाने पीने से लेकर सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। नगर में पुलिस के वाहन से अनाउंसमेंट लोगों को घरों में रहने की अपील करते हुए घूम रहे थे। बंद के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देश पर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रही। वहीं एमपी यूपी बॉर्डर पर पुलिस की भारी चौकसी रही। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। कोरोना वायरस जो एपिडेमिक है, एक पैंडेमिक के रूप में हमारे लिए सबसे बड़ी हमारा एक चुनौती बन के खड़ी है। मैं सारे जिलावासियों से यह आग्रह करना चाहूँगी कि अभी का समय, अगला कम से कम 10 से 15 दिन बहुत क्रूशियल है। इसमें हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है। आपसे मैं अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बिताएं। बहुत आवश्यक हो तभी आप बाहर आएं। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिले में आज से हम लोगों ने कई तरह के आदेश प्रसारित किए हैं एमपी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत, जिसके अनुसार जो हमारे नॉन एसेंशियल दुकानें हैं, केवल एसेंशियल सर्विसेज, यानी कि जैसे कि हमारा खाद्य पदार्थ से संबंधित कोई दुकान है या दूध दही का दुकान है या सब्जी की दुकान है, इन सब दुकानों को छोड़ के बाकी पूरा मार्केट हमारा बंद है। इसके अलावा ही सारे स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, जितने भी हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं वो सारी जगह बंद है। मैरिज गार्डन्स को भी हम लोगों ने बंद करने के लिए आज से निर्देश प्रसारित कर दिया है। ओवरऑल एक जनरल माहौल हम ये बनाना चाह रहे हैं कि अभी अगला अगर 10 दिन हम सब एक दूसरे का ख्याल इस तरह से रख सकते हैं कि अपने अपने घर में रहें, अपने घर परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट फेज पे अब हम घुस रहे हैं कोविड-19 में, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी फ़िलहाल अगला 10 दिन हम बहुत ही सतर्क रहें, हम सब स्वस्थ रहें, हम सब सेफ रहें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहें और जितनी बार पॉसिबल हो सके अपने हाथ को ज़रूर धोएं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करें जब आपको साबुन या पानी की उपलब्धता आपके पास में नहीं है, और साथ में जहाँ तक मास्क के इस्तेमाल को किए जाने की बात है, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको कोई सर्दी खांसी है या कोई बहुत भीड़भाड़ वाले इलाके में आप जा रहे हैं, तभी आप एक सिंपल कॉटन जो होता है उसका अगर आप सिंपल सा मास्क भी लगा लेंगे, वही बहुत कुछ है। हमें सब हर इंसान को N95 मास्क की आवश्यकता नहीं है। साथ ही किसी भी चीज़ के लिए पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब बिल्कुल तैयार हैं, हमारी पूरी मेडिकल टीम तैयार है, और इसलिए किसी भी तरह के सामान का या किसी भी खाद्य पदार्थ का घर में स्टॉकिंग ना करें। सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से और सामान्य रूप से अवेलेबल रहेगा। बस अपना ख्याल रखें, अगले 10-15 दिन क्रूशियल है। हम सब मिलके इस चुनौती को अगर जीत लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस पूरे जो युद्ध है कोविड के अगेंस्ट, उसमें हम सक्सेसफुल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पता है जो कि कोरोना कोविड-19 संक्रमण, जिसको कि WHO द्वारा विश्वव्यापी महामारी पैंडेमिक घोषित किया गया है, इसके चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और राज्य स्तर से और जिला स्तर के मुखिया मैडम कलेक्टर द्वारा हमें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हम जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। घबराए नहीं, शासन प्रशासन का सहयोग कर, जैसा कि मेन जो मुद्दे अभी इस वक्त हैं, हम अपने आप को आइसोलेशन, होम आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन करना चाहिए। अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, बार बार साबुन पानी से हाथ धोते रहें, अपने चेहरे को, नाक को, कान को, आँखों को अनावश्यक हो कभी छुएं, नहीं तो छूने की कोशिश ना करें। दूसरी जो कि भ्रांति है मास्क के बारे में, जिसमें लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, उसके लिए हम सभी आम जनता से अपील है कि ज़्यादातर घर में रहें, भीड़ भाड़ जगहों पर ना। अगर आपको कुछ सर्दी, जुकाम, खांसी है तो आप मास्क का प्रयोग करें, अथवा घर का बना हुआ रुमाल से, हैंडकरचीफ से भी आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बार बार साबुन से हाथ धोते रहें और अस्पताल में अनावश्यक भीड़ न लगाएं। हमारे विशेषज्ञों की टीम, डॉक्टरों की टीम कभी भी आपको जरूरत पड़े उसके लिए सलाह देने के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है। इसलिए हमने जिला अस्पताल में एक कोरोना
कंट्रोल के हिसाब नाम से एक हेल्प डेस्क या कॉल सेंटर का 24 घंटे आरंभ किया गया है, जिसका नंबर है 07683242307। इस पर कभी भी आप कॉल करके हमसे आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। हमारे अस्पताल में इसके लिए गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल अनुसार सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हमारे पास इसके लिए डेजिग्नेटेड पूरी टीम है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, हमारे नोडल ऑफिसर डॉक्टर सौरभ जैन है, पैथोलॉजिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट सभी की पूरी टीम है। हमने शासन सरकार 6 स्तरीय आइसोलेशन भी तैयार किया गया है, जिसमें आवश्यक सभी उपकरण मौजूद हैं, एवं एक क्वारंटाइन सेंटर भी जैसे निर्देश दिए गए हैं हमने तैयार कर रखा है। सभी को यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ आइसोलेशन इस पर भी जोर देने की हमें ज़रूरत है। घबराएं नहीं, सजग रहें, अफवाहों से बचें, एक्सपर्ट की सलाह लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।